बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 4 हम फर्स्ट ईयर वालों के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखो तकरीबन बातें तो वही हैं, लेकिन जो मेन चीज इसके अंदर हमें नजर आती है ना, वो ये दो पॉइंट है, ठीक है ना, एडजस्टमेंट डाटा में। एक ये वाला पॉइंट जिसमें लिखा हुआ है बैड डेट एक्सपेंस 2% ऑफ नेट सेल्स, यानी इसमें उन्होंने बैड डेट एक्सपेंस निकाल के नहीं दिया। पिछले जो 2-3 क्वेश्चन थे उसमें बैड डेट एक्सपेंस निकाल के दे रहे थे, इसमें बैड डेट एक्सपेंस हमें निकालना है, और वो किसका, नेट सेल्स का। तो अगर यहाँ पे याद रखिएगा कि किस तरह आएगा, तो ये भी आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ किस तरह। और इसी तरह एक डेप्रिसिएशन का है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 10% आएगा, किसका, फिक्स एसेट की कॉस्ट का। ये वो दो पॉइंट हैं जिसके लिए हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बाकी सारी चीजें वही हैं, याद रखिए इन्वेंट्री। और हाँ, एक चीज यहां से एक नई शुरू हो रही होगी, और वो हो रही है किसकी, ऑफिस सप्लाईज की, कि ऑफिस सप्लाईज का क्या है। वैसे बात हो चुकी है वैसे भी कि ऑफिस सप्लाईज की जो यूज्ड फिगर होती है वो इनकम स्टेटमेंट में आती है, और अनयूज्ड फिगर बैलेंस शीट में जाती है। तो स्टार्टिंग पॉइंट, सबसे पहली चीज सेल्स रेवेन्यू हमारे पास मौजूद है। सेल्स रेवेन्यू 5,10,000, यानी अगर आप यहां से पिक करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि सब सेल्स रेवेन्यू मौजूद है 5,10,000। और इसमें दूसरी चीज जो मौजूद है सेल्स रेवेन्यू के साथ, वो है सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस 10,000। तो यही चीज यहाँ आ गई, इस दफा साथ दो रिटर्न के साथ डिस्काउंट नहीं है। तो 5,10,000 से 10,000 माइनस किया, हमारे पास नेट सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू आ गई कितनी, 5,00,000। इसमें से लेस करना है हमें क्या चीज, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए सबसे पहली चीज मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग परचेजेस। तो हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग 70,000 रुपए मौजूद है इसमें, इसके साथ परचेजेस की वैल्यू मौजूद है। आप क्वेश्चन आपके पास मौजूद होगी, आप निकाल के क्वेश्चन सामने रखिएगा, 3,10,000 रुपए, ठीक है, 3,10,000 के। इसके साथ ही हमारे पास लेस करने के लिए मौजूद है रिटर्न अलाउंस। इस वक्त हम पूरे में देखें तो कोई ट्रांसपोर्टेशन वगैरह नहीं थी, तो हमने बिगनिंग इन्वेंट्री लिखी 70,000, ढूंढिए ट्रायल बैलेंस में, उसमें से सिर्फ परचेजेस थी, परचेजेस में कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं था जो ऐड होता, कोई डिस्काउंट नहीं है जो लेस होता, तो सिर्फ परचेज से परचेज रिटर्न अलाउंस लेस किया, नेट परचेजेस को बिगनिंग में ऐड किया, इन दोनों को प्लस किया, गुड्स अवेलेबल फॉर आ गया 3,70,000, जिससे क्या लेस किया, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। एंडिंग हमेशा मौजूद होती है एडजस्टमेंट डाटा में, नीचे देखिए पहला पॉइंट ऑन हैंड एट एंड बचा हुआ 50,000, ये 50,000 को आपने यहां से माइनस किया, 370 से 50,000 माइनस किया, 3,20,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इस 5,00,000 सेल्स से 3,20,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस किया जाएगा, हमारे पास 1,80,000 की मौजूद होगी क्रॉस प्रॉफिट की फिगर, ठीक है, 1,80,000 का क्रॉस प्रॉफिट। अब आ जाइए ट्रायल बैलेंस पे, जाइए तमाम प्रॉफिट के बाद ही और एक्सपेंसेस। तो अगर आप देखें तो एक्सपेंसेस का जो फिगर शुरू हो रहा है वो यहां से शुरू हो रहा है। क्या मौजूद है, सैलरीज एक्सपेंस मौजूद है आपके पास 64,000, रेंट एक्सपेंस 50,000, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 6,000, जनरल एक्सपेंस 56,000। यानी अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल ये ट्रायल में ये 6 एक्सपेंसेस हैं, लेकिन उन एक्सपेंसेस से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स हैं हमारे पास, उसी एडजस्टमेंट को लेकर हमें चलना है। मसलन कह रहा है सैलरीज एक्सपेंस 64,000, तो सैलरीज एक्सपेंस से रिलेटेड यहां बात हो रही है कि सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर है 70,000। याद रखिएगा ट्रायल बैलेंस में जो 64,000 है ये कौन सी फिगर होती है, हमेशा जो पे की जा चुकी है। तो सैलरीज एक्सपेंस पे की जा चुकी है 64,000, मगर असल में जो पूरे साल की सैलरीज बनती थी, बननी चाहिए थी, वो बननी चाहिए थी 70,000, पे हुई है 64,000। तो 64 और 6 क्या आना चाहिए, सबसे पहले तो ये याद रहे कि भाई जब पूरे साल की सैलरी 70,000 है तो इनकम स्टेटमेंट में पूरी सैलरी आएगी कितनी, 70,000। हाँ, अब हमने ट्रायल बैलेंस में जो पे करते हुए दिखा रहे हैं वो 64,000 है, हमें उसको बढ़ाना है 6,000 से, क्योंकि 70 हो जाए, तो जो 6,000 वो है वो पेएबल है। आप देखिए इसी के साथ जहन में होना चाहिए कि 6,000 रुपए जब बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो सैलरीज पेएबल के नाम से आएगा, तो इस तरह से जहन में बनाते जाइएगा। आप बेशक उस वक्त आप बना रहे हो तो इनकम स्टेटमेंट बनाए, लेकिन दिमाग में या अपने पेपर में करते वक्त साइड में एक नोट लिख लेंगे, हाँ जैसे ही हमने ये सवाल देखा कि अच्छा 70,000 पूरे साल की सैलरी है, यहाँ 64,000 पे हुई है, इसका मतलब है 6,000 रुपए और पे करने हैं, तो 6,000 पेएबल होगा। इसी को और समझ लीजिए, तो इसी तरह समझिए कि अब देखिए रेंट एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस हमने पे किया है 50,000,
लेकिन यहाँ लिखता है कि रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर बनता है 40,000। तो अब सोचो कि रेंट एक्सपेंस हमारा है सिर्फ 40, तो जिस तरह सैलरी 70,000 लिख दी थी, अगर दौड़ के हम जाएं तो हम यहाँ पर रेंट एक्सपेंस लिख सकते हैं 40,000। लेकिन हमने रेंट पे कितना किया है? ट्रायल बैलेंस में जो फिगर होती है वो पेड है। कितनी पे की है? 50,000। तो 40,000 में से जब हमने 50,000 पे कर दी है तो हमने ज्यादा पे किया है 10,000। जब कोई चीज रेंट यहां पर ज्यादा पे किया है 40 की जगह 50, तो जो ज्यादा पे कर दिया वो प्रीपेड है, और फिर वो प्रीपेड रेंट बैलेंस शीट में यहां पे लिखा जाएगा 10,000। इस तरह से समझ लीजिए और इस तरह से याद रखिए। फिर वापस आइए, जनरल एक्सपेंस था उसमें तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वो एज इट इज आ जाएगा। लेकिन ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस को अगर गौर से देखिए तो हम 6,000 के नाम से रिकॉर्ड कर चुके थे, लेकिन हमने जब दोबारा जांचा, परखा, पड़ताल की, तो मालूम ये हुआ कि ऑफिस के तो सिर्फ हमने यूज किए हैं 4,000। इसका मतलब है उसके कुछ ना कुछ बचे हुए हैं, तो 6 में से 4 जो यूज हो गए वो इनकम स्टेटमेंट में आ जाएंगे ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस के नाम से 4,000। मगर ये जहन में रहे कि आगे जाके जब यहां पर हम 2,000 बचे हुए हैं वो ऑफिस सप्लाईज के नाम से आएंगे 2,000, क्योंकि एक चीज जो 6,000 एक्सपेंस थी उसको अब आप कम कर रहे हैं, तो जो बच जाए एक्सपेंस वो एसेट हो जाता है, और जो एक्सपेंस ना हो वो पेएबल हो जाता है, जैसे सैलरी पेएबल था। अब यहां आइए, ये सारे एक्सपेंसेस, ये सारे एंगेजमेंट के बाद इन्वेंट्री एंडिंग हो गई, सप्लाईज हो गया, सैलरीज हो गया, रेंट हो गया, अब 2 रह गए, बैड डेट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। पहले बैड डेट को देखते हैं, कैसे निकालेंगे बैड डेट। क्या कहता है? बैड डेट है 2% ऑफ नेट सेल्स। अब 2% नेट सेल्स, पहले तो आपको सेल्स मालूम है क्या होती है। सेल्स इस वक्त अगर देखो तो सेल्स रेवेन्यू कितनी थी? 5,10,000। और नेट कैसे होती है? तो आपको यहां मालूम ही है कि नेट कैसे होती है। सेल से हम क्या करते हैं? रिटर्न अन अलाउंस यार इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर में मौजूद हो तो हम क्या करते हैं, इसमें से रिटर्न के साथ साथ डिस्काउंट को भी माइनस कर देते हैं। सेल रिटर्न के साथ सेल डिस्काउंट सेल से माइनस हो जाएगा तो वो नेट सेल्स रेवेन्यू होगा। तो आप देखिए क्या कहा था उसने, 2%। तो यहां है वो सोल्यूशन, ये फॉर्मूला में लिखा है कि उसने जब कहा है कि बैड एक्सपेंस 2% ऑफ नेट सेल है, तो कैसे निकालिएगा? सेल्स रेवेन्यू से सेल्स रिटर्न अलाउंस माइनस कीजिए, डिस्काउंट हो तो उसको भी माइनस कर दीजिए और उसका 2% ले लीजिए। तो देखिए कितना आ रहा है, 10,000 हमारे पास आ रहा है। तो यहां बैड डेट एक्सपेंस की फिगर लिखी जाएगी कितनी? 10,000। ठीक है, तो इस तरह से अगर कभी भी आपके पास क्या कह दे, बैड डेट एक्सपेंस की वैल्यू निकालने के बजाय आपको कह दिया जाए कि बैड डेट एक्सपेंस ये वो है परसेंटेज है, तो इस तरह निकाल सकते हैं। इसी तरह से अब इससे पहले डेप्रिसिएशन भी नहीं होता था, इस दफा उसने कह दिया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है 10% फिक्स एसेट की कॉस्ट का। अच्छा, अब फिक्स एसेट ओपन छोड़ दिया, तो देखो यहां पे कौन से फिक्स एसेट है? कैश तो एसेट नहीं है, अकाउंट रिसीवेबल तो एसेट नहीं है, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी तो एसेट नहीं है। असल एसेट कौन सी 2 चीजें हैं? एक है मशीन और दूसरा है कौन सा? बिल्डिंग। इन दोनों का, यानी अब एक डेप्रिसिएशन नहीं होगा, 2 डेप्रिसिएशन होगा, एक मशीन का और दूसरा बिल्डिंग का और उनकी कॉस्ट का। तो कितनी है मशीन की कॉस्ट? 1,00,000। कितनी है बिल्डिंग की कॉस्ट? 2,00,000। कैसे सॉल्व किया है देखिए, मशीन 1,00,000 मल्टीप्लाइड बाई 10% 10,000, बिल्डिंग 2,00,000 10% कितना? 20,000। तो यहां अगर चाहे तो अलग अलग दिखा दें, चाहे तो यहां मिला के दिखा दे। देखिए मैंने मिला के दिखा दिया है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पहले बिल्डिंग का, मशीन का 10,000 और फिर बिल्डिंग का 20,000, टोटल कितना बना? 30,000। तो अब टोटल अगर आप यहां देखें तो इसमें से एक्सपेंसेस का टोटल बनता है 2,10,000। 2,10,000 180 से 2,10,000 को माइनस किया तो इस दफा सवाल में प्रॉफिट नहीं आ रहा, लॉस आ रहा है। कैसे? ग्रॉस प्रॉफिट 180 था और लॉस जो है 2,10,000 था। अब इसी के साथ आप बैलेंस शीट की तरफ चलिए, तो बैलेंस शीट अब मेरा ख्याल सिंपल हो गई है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपने उठाया कैश लिखा, आपने उठाया अकाउंट रिसीवेबल लिखा और फिर आपने लिखा अलाउंसेस फॉर। अब अलाउंसेस फॉर बैड डेट 12,000 कैसे लिखा, हालांकि बैड डेट एक्सपेंस तो 10,000 था। तो ट्रायल बैलेंस में अगर आप जाके देखिए कि पुराना अलाउंसेस फॉर बैड डेट पहले से मौजूद था क्रेडिट साइड पे 2,000। यहां पर मेरे जुमले को लिख लीजिएगा, क्योंकि वैसे तो जरा कम आना चाहिए, लेकिन अगर आ जाए तो उस जुमले को जरूर आप लोग लिख लो कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, अगर अलाउंसेस फॉर बैड डेट क्रेडिट है 2,000 से और अलाउंसेस फॉर बैड डेट यहां 10,000 से भी क्रेडिट है, तो 10 यानी बैड डेट एक्सपेंस 10,000 है, तो 10 और 2 आपस में क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। असल में जो चीज हम एडजस्टिंग एंट्री हमें पढ़नी नहीं है, लेकिन अगर पढ़ते तो देखो यहां एक सॉल्व हुआ है,
ये एंट्री बनाते हैं, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंसेस फॉर बैड डेट क्रेडिट। अब ये कोर्स में नहीं है इसलिए पढ़ा नहीं सकता, लेकिन ध्यान में रखो यहां एंट्री बनती तो ये अलाउंसेस फॉर बैड डेट क्या होता, क्रेडिट होता, कितने से, 10,000 से। और यहां पे अलाउंसेस फॉर बैड डेट पहले से क्रेडिट था, कितना, 2,000 से। तो जैसे अलजबरा में होता है ना प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, इसी तरह माइनस माइनस भी आपस में प्लस होता है और प्लस प्लस भी प्लस होता है, इसी तरह डेबिट डेबिट प्लस होता है, डेबिट क्रेडिट भी प्लस होता है, क्रेडिट क्रेडिट भी प्लस होता है। समझ में आया, मैं थोड़ा जज्बात में बोल गया, यानी अगर क्रेडिट और क्रेडिट होगा तो जमा हो जाएगा। तो यहां भी बैड डेट क्रेडिट था 2,000 और यहां भी अलाउंसेस फॉर बैड डेट एंट्री में था क्रेडिट 10,000। तो इसीलिए मिला के आएगा 10,000 और 2,000 12,000। अब कल को अगर फर्ज करो यहां बैड डेट ये 2,000 क्रेडिट में होता, 2,000 कहां होता, डेबिट में होता, मगर अंडरस्टूड है कि एंट्री में ये क्रेडिट में ही होगा, तो यहां माइनस होके आता 8,000। आई बात समझ में, कि अलाउंसेस फॉर बैड डेट अगर ट्रायल बैलेंस के भी क्रेडिट में है और एंट्री के भी क्रेडिट में है। अब तुम कहोगे सर एंट्री हम तो बनाते नहीं है, फिर तो भाई कोई बात नहीं, यू समझो कि यहां पे भी 10,000 है तो ये क्रेडिट ही है, तो 2 और 10 मिला के 12 होगा। लेकिन अगर कभी यहां डेबिट हो और यहां 10,000 क्रेडिट हो तो 10 और 2 माइनस होकर 8 होगा। ठीक है, चलो आगे, ऐसे बहुत कम आएगा, 99% क्वेश्चन में सिर्फ एक ही जगह होगा, ट्रायल में भी नहीं होगा आप शायद, मगर एहतियातन करा रहा हूं कि बात अगर समझ में आ जाए तो पहले आते थे। अब चूंकि इस दफा तो बहुत कम पढ़ा है तो हो सकता है बहुत ही आसान आए। फिर ऑफिस सप्लाई लिखा, प्रीपेड रंग लिखा, अब ये सब तो तुम्हें मालूम है। इसी तरह ना ये अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन मशीन का भी देखो, यहां पे हमने निकाला था मशीन का डेप्रिसिएशन था 10, कैसे आया 15, तो ट्रायल में देखो पहले से मौजूद है 5, इसकी भी ये एंट्री होती है। अगर देखो तो इसकी ये एंट्री होती है, क्या ये सारा सॉल्व मौजूद है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंसेस फॉर डेट, ये क्रेडिट और ये क्रेडिट 5 और ये क्रेडिट 10, आपस में क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इसी तरह दोनों को हमने प्लस किया और प्लस करके यहां लिखा, तो ये 15,000 माइनस किया 85, 2,30,000 माइनस किया 71, फिर प्लस करना तो तुम लोगों से खा चुका हूं, इस तरह माइनस करो प्लस करो। अकाउंट पेबिल नोट पेबिल वैसी एज इट इज वहां से उठा के ले आए, सैलरी पेबिल बता दिया, अयान कैपिटल लिखा, लॉस माइनस किया, बस याद रखो इससे पहले प्रॉफिट प्लस होता था, लॉस माइनस हुआ, ड्राइंग लेस हुआ, बैलेंस शीट 10। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद इसी तरह से होगा, क्वेश्चन नंबर 5 ऑलमोस्ट, मेरा ख्याल है क्वेश्चन नंबर 5 आपको मैं क्लास में रिवाइज भी करा दूंगा, दिखा भी दूंगा, देख लीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर में, और खुद से मगर करने की कोशिश कीजिएगा।